हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन फेवरेट शो, हम तुम और डेटिंग, वही पुराना रोहन वही पुरानी अनुपमा, पर हाजिर हैं हम लेके बहुत सारे नए टिप्स के साथ। यकीन मानिए कि आज का जो टिप है उससे आपकी डेटिंग भी कामयाब होगी, आप कामयाब होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका गुडविल बढ़ेगा, मतलब जॉब भी कामयाब, डेटिंग भी कामयाब, इतना सब कुछ एक साथ। कैन यू बिलीव इट? और ये बिलीव करने मुझे शौक आ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको पता नहीं कौन सी देवी माँ आके आपको आशीर्वाद देने वाली है कि आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। चार क्या, मेरे को लग रहा है 40 चांद लग जाएंगे, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे अंदर से। बट एनीवेज, हम लोग सही कह रहे हैं, हम आपकी लाइफ में काफी चीजें प्रोग्रेस के तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपकी ऑफिशियल लाइफ बड़ी अच्छी रख सकती है, साथ साथ डेटिंग भी कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ऑफिस में अगर आप डेट कर रहे हो तो क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो प्लीज बताएं अनुपमा जी, क्या करने वाले हैं आज हम? मतलब अब शुरुआत करते हैं, पहली जो सबसे आम चीज हम करते हैं कि अगर हमें ऑफिस में कोई पसंद आई तो हम सबसे पहले पूरे कलीग्स को बता देते हैं, सबको पता चल जाता है भाई इसका दिल उस पे आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, यू नो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ के रिलेशनशिप में पढ़ेंगे तो आपको ही इन बातों से दिक्कत होने वाली है। आपको पता है क्या होता है अनुपमा, तुमको ही बताता हूँ मैं, जब लोग ऑफिस जाते हैं तो उनका ध्यान होता है काम पे नहीं, बल्कि ये कि लंच टाइम कब होगा। पूछो क्यों? क्यों? लंच करने के लिए नहीं, उनको भूख लग रही होती नहीं, लेकिन उनका इसीलिए होता है क्योंकि उनको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन किसके साथ जा रहा है। शर्मा जी कल वर्मा जी के साथ कहीं गए कि नहीं गए? बॉस हमारे मैनेजर को लेके गए कि नहीं? क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट ये है कि कौन किसके साथ कब बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। और रोहन इन सब बातों को लेके एकदम लड़की होता जा रहे हैं ना, ही नोज सो मच अबाउट गॉसिप। हाँ रोहन, लगता है लड़कियों के साथ बहुत वक्त बिताने लगे। बस तुम्हारे साथ ही सारा वक्त चला जाता है आजकल। अरे हाँ, मेरे साथ वक्त बिताने से याद आया, मैंने एक बात रोहन को बताई थी, चूंकि हम सेम ऑफिस में काम करते हैं, और रोहन ने अपने दोस्त को बताई, उसने अपने दोस्त को बताई, बताते बताते बात बॉस तक पहुंच गई और मुझे बहुत तेज से फटकार पड़ी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके ऑफिस में हो सकती हैं, इसलिए अगर आप डेटिंग करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं जो भी हैं, Keep whatever you know to yourself, secret रखें, ना ज्यादा बताएं, ना ज्यादा जानने की कोशिश करें। जी हाँ, एक और बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप दो लोग साथ में हैं तो प्लीज, ऐसा भी होता है कि तीसरा कहीं कोने में बैठ के जल रहा है कि ये दोनों क्यों है साथ में, मैं नहीं हूँ, मैं इतने साल से फील्डिंग कर रहा हूँ और मेरा नंबर नहीं आया, तो प्लीज उन लोगों से बच के रहो, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके बारे में अपने बॉस को जाके बता देंगे कि ये ऐसा कर रहा है, नो 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 जी जी जी, ऐसा ऐसा नहीं करने का प्लीज। और बाय एनी चांस अगर आपका जो डेट है वो रॉकिंग चल रहा है तो बिजनेस और प्लेजर को मिक्स करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। आप तो पढ़ेंगे, साथ में आप अपने आसपास वालों को भी डुबाएंगे और अपने बॉस को भी डुबा देंगे, तो प्लीज ऐसा मत करो। रोहन, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना मैं आज इतनी अपसेट क्यों थी, थ्रू आउट यू बीन आस्किंग मी। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी एक जो दोस्त है उसका अफेयर चल रहा था ऑफिस में, तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। तो क्या हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद उस लड़के ने क्या कोशिश की, लड़के ने क्या कोशिश की, मैं तो लड़की के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उस लड़की का ब्रेकअप हो गया है। ओके, उसने क्या किया कि जो भी उन्होंने बातें शेयर की थी वो ऑफिस में सबको बताने लगा, कभी ब्लैकमेल कर रहे, कभी उसे एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे, तो मतलब शी केम इनटू दिस एम्बेरसिंग सिचुएशन क्योंकि उन्होंने अपने कलीग के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर की। सो इग्नोर इट। फिर क्या हो गया उसके बाद, इनने सब चीजों से बाहर कैसे आए? बाहर हम लेके आएंगे ना, हम लेके आएंगे हमारे टिप्स से। यस, आप अपना ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद के साथ हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और हम सबने एक चीज ऑब्जर्व करी है, चाहे आप ऑफिस में जाएं चाहे आप कहीं और जाएं, हमेशा जो कपल होता है वो इतना साथ साथ रहता है कि सामने वाले को लगता है कि इनको किसी ग्लू से चिपका दिया गया है। तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि लोगों की नजर में आप आ जाओगे। तो प्लीज आप ऑफिस अलग अलग जाएं, प्लीज, भले ही बाहर तक आप साथ में आ जाएं, लेकिन अंदर जाके ऐसे जाओ जैसे कि आप अलग अलग आए, ओ हाय आज तू भी आए ऑफिस, ओ हाउ गुड टू सी यू, ऐसे ऐसे जाओ, लोगों को समझ में नहीं आए कि आप दोनों साथ में आए हो। प्लीज, बहुत जरूरी है कि आप सीक्रेट शेयर ना करें, किसी भी तरह के गॉसिप में मत पड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज आप अपनी जो पर्सनल लाइफ वाली जो बातें हैं वो ऑफिस में जाके ना करें, और जो आपकी ऑफिस की बातें हैं वो अगर आपको भी बाहर मिल रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो प्लीज सब ऑफिस की बातें ना करें, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी बोरिंग हो जाती है, आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाएगी। तो प्लीज अवॉइड ऑल दिस, प्लीज। बोरिंग वर्ड से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और रोहन आपके साथ हैं, और हम आपकी डेटिंग, आपकी लाइफ और आपको खूबसूरत बनाते रहेंगे बहुत सारे टिप्स के साथ, वापस और बार बार आते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि हमें देखते रहना है ओनली ऑन हम तुम और डेटिंग पर। फाइनली आप प्लीज दिल खोल के बाहर जाइए, ऑफिस भी दिल खोल के जाइए और दिमाग खोल के जाइए, क्योंकि दिल के साथ साथ दिमाग का खुलना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मोमेंट पे डर जाते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो भगवान को याद करिए, अगर भगवान बिजी है तो मैं और अनुपमा तो आपके लिए है ही, ऑलराइट, तो आपको मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन दिस इज मी रोहन जोशी साइनिंग ऑफ। रोहन हो गया, पहले तुम ये बताओ कि ऑफिस में तुमने अमेजिंग सुपर्ब अमेजिंग अमेजिंग लाइक दिस चैनल।
Do subscribe. LSD rocks. It's superb. Do subscribe. It's amazing. You should log in now. Do subscribe. Subscribe now. Subscribe now. Love, sex or drama.